महागठबंधन में उनको शामिल करिएगा सर। महागठबंधन में तो आप मीडिया के लोग भी शामिल हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। लोजपा में हुई टूट के बाद चिराग पासवान को लगातार आरजेडी की तरफ से ऑफर्स दिए जा रहे हैं। पहले तेजस्वी यादव की तरफ से ये ऑफर दिया गया और अब तेज प्रताप यादव ने भी चिराग पासवान को निमंत्रण दिया है। ये कहा है कि युवा नौजवान एक साथ होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं और हर कोई समाज में अपने अनुसार काम करता है। आशीर्वाद यात्रा को लेकर उन्होंने ये बातें कही है और ये कहा है कि चिराग पासवान तो क्या, उन्होंने हंसते हुए ये तक कह दिया कि मीडिया वाले भी महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं तेज प्रताप यादव, आप पहले उनकी बातों को सुनिए। चिराग पासवान को किस तरह वो न्योता दे रहे हैं। देखिए, नौजवान हैं वो और अपने तरीके से सब लोग हैं समाज में और काम कर रहे हैं, तो नौजवान है तो नौजवान का साथ देता है। महागठबंधन में उनको शामिल करिएगा सर। महागठबंधन में तो आप मीडिया के लोग भी शामिल हो सकते हैं। थैंक यू। तो आपने सुना कि तेज प्रताप यादव ने क्या कुछ कहा। लगातार जिस तरीके से लोजपा में टूट की खबर सामने आई उसके बाद से बिहार की सियासत तो क्या केंद्र तक में इसकी चर्चा अभी भी बदस्तूर जारी है, लेकिन इन सब के बीच चिराग पासवान को लेकर आरजेडी की तरफ से लगातार ऑफर दिए जा रहे हैं। पहले तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि वो मेरे बड़े भाई हैं और उधर अगर चिराग की बात करें तो चिराग ने भी स्पष्ट तौर पर अपने कई इंटरव्यूज में तेजस्वी यादव की चर्चा करते हुए ये कह दिया है कि वो मेरे छोटे भाई हैं, उनसे मेरी लगातार बातचीत होते रहती है। हालांकि गठबंधन में वो शामिल होंगे या नहीं इसको लेकर उन्होंने स्पष्टता कभी भी नहीं दिखाई है ना रखी है। ये कहा है कि जब चुनाव होगा उस वक्त देखा जाएगा, लेकिन ये जो नजदीकियां हैं, ये जो निमंत्रण देने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। आरजेडी के तमाम नेताओं की बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें, प्रवक्ताओं की बात करें, सभी एक सुर में एक राग में चिराग पासवान को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, न्योता दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि आप हमारे साथ हो जाइए। कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और यही माजरा अब चिराग और तेजस्वी के बीच दिख रहा है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार बिहार में सत्ता परिवर्तित होने का दावा करते हैं, वैसे ही खुद चिराग पासवान ने भी इन बातों का दावा किया और ये कहा कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि यकीनन आप इन बातों को लिख लीजिए। अब ऐसे में चिराग पासवान जब इस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूरी सरकार के खिलाफ हमलावर दिखाई दे रहे हैं तो सवाल तो लाजमी है कि क्या वाकई चिराग और तेजस्वी साथ होंगे। और अब तो तेज प्रताप यादव ने भी हामी भर दी है और यह कहा है कि नौजवान साथ होंगे, तो इसमें गलत ही क्या है, हम साथ हैं और रहेंगे भी। अब ऐसे में देखना यह है कि क्या चिराग पासवान को जब इतने ऑफर्स लगातार आरजेडी की तरफ से दिए जा रहे हैं, क्या वो इन ऑफर्स को स्वीकारते हैं या फिलहाल आगे की कोई रणनीति उनके दिमाग में चल रही है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल बिहार के सियासत में इन दिनों चर्चाएं चरम पर हैं। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।